I'm Shlok. I'm the Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun. ठीक है, हम अपने वादों से पीछे नहीं हटते, मुकरते नहीं हैं। तुम्हें वादों से पड़ेगा। पीछे नहीं हटना, मुकरना नहीं। तुम पीछे हो जा कैमरा के पास जा रही और ऐसे फील आना चाहिए फुल हम नहीं मुकरे, हम आ गए जो भी। हाँ, हम आ गए। I'm very excited क्योंकि कमेंट्स कुछ तो ऐसे है कि उन्होंने 50 बार देखा ही OST। मैंने कहा यार आया भी एक ही दिन पहले है, मतलब हम आज रिएक्ट कर रहे हैं और ये एक दिन पहले आया मतलब आपके पास 3-4 दिन। और लोगों ने कल कमेंट किया कि उन्होंने 50 बार देख लिया। हाँ, अरे हना सिंफान का क्रेज बहुत ज्यादा है एंड आई डोंट गेट इट, इतने अच्छे अच्छे ड्रामास एक साथ आ रहे हैं। एग्जैक्टली, एक साथ ये बॉम्ब ड्रॉप किए जा रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं सारे। हमने सारे टीजर्स किए एंड आई एम सो एक्साइटेड। नहीं देखे तो देख लो जाके, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तेरा रिंग भी बेल आइकन हो गया, तेरा तुरू तुरू हो गया। ये दो वीडियोस आए OST के जो काइंड ऑफ टाइम भी सेम है, लेकिन हमने एज ऑफ नाउ आसिम अजहर को चूज किया क्योंकि हम उनको पहले से जानते हैं। बहुत टाइम हो गया हमने उनको सुना नहीं है। तो लेट अस नो अगर दूसरा वाला वीडियो आपको चाहिए हम रिएक्ट करें तो। उसके आई थिंक सिंगर डिफरेंट है, जेब, राइट, जेब बंकर या समथिंग कुछ ऐसा है, और हमने उनको अभी देखा नहीं। वेरी एक्साइटेड, लेकिन आप हमें बताओ उससे पहले हम वो वीडियो नहीं देखने वाले। हम अभी देखेंगे ये आपके साथ, विल एंजॉय, विल हैव फन, कुछ बहुत शुरू किया जाए। चले उस बादल पे उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे, चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोज, ये झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम ऐसे हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान,
रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मैं मुश्किल रास्तों पे चलना भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए जीत का है अज़म, हाँ दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद पर चम से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जुस्तजू तेरी, नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कि लोग ऐसे नाजुक कहते हैं और, तो इसमें उस पूरे नेम का जो इस सीरीज का नाम इस ड्रामा का नाम है कितना रिलेशन था इस पूरे ओएसटी में भी, इतने अच्छे लिरिक्स। वाओ आसम ऐसे लिरिक्स में काफी काफी ट्राई किया लिरिक्स याद रखूं बट याद ही नहीं रहे उसमें, जब भी सच में जो बीच में नेशनल एंथम की ट्यून ली थी भाई गुस्बम्स आ गया था, बहुत अच्छा पार्ट था, बहुत अच्छा था। अच्छा कि ये सब चीजों में अगर नेशनल एंथम की ट्यून लगा दो वो भाई बूम हो जाएगा, लाइक फील आ जाता है भाई, ये हो जाता है सच में, ये स्टार्टिंग में जब आसम अजहर की स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट हुई थी उसने खूब ये क्या लाइन है, और लिरिक्स कंपोजिशन और सिंगर सब आसम अजहर खुद है। वाओ अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो कैमरा वर्क है बहुत अच्छा है, जो कुछ कुछ शॉट्स थे जो वो भाग रही है नॉट रेस ट्रैक पे बट वो कुछ पेड़ वाले सीन से भाग, बहुत सारे सीन्स थे इसमें, इसमें यू नो सबकी वीक पॉइंट आते हैं, एक जब आप एकदम सब ऐसे लगता है कि गया सब, वो वाले पॉइंट्स दिखाए हैं सबके, अच्छे वाले पॉइंट्स दिखाए जब वो सब लोग मार्च कर रहे थे, वाओ बहुत अच्छा लगा, वो एक साइड से धूप आ रही तो एक साइड पूरा शेडो गिर रहा है, बहुत मस्त लगता है, सबका कोऑर्डिनेशन डिटेलिंग्स बहुत अच्छी थी, उसकी लाइंस इतनी ज्यादा आई कांट गेट ओवर द लाइंस बिकॉज लाइंस के साथ जो 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 विजुअलाइज इन लोगों ने किया है वो एक्चुअली उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि लाइंस के साथ जब वो विजुअल्स देख रहे हैं ऐसा लग रहा है भाई, मतलब वो एक एम्पावरिंग फीलिंग है उसके अंदर, यू नो इतना ज्यादा मोटिवेटिंग, अगर कोई तुम पे उंगली उठाए तो उंगली तोड़ दो, तुम्हें कमजोर बोले तो, एंड उसके अंदर सजल का एक सीन दिखाया था मारते हुए, वाओ यार वाओ, इसका फॉर श्योर ये सीरीज का इसका ना डायरेक्शन भी बहुत कड़क रहा होगा, बहुत मस्त रहेगा वो, इसके ना ओएसटी टीजर ये सब में दिख रहा है कि भाई डायरेक्शन क्या सबके सब, एक है ना ऐसा होता है एक एक एक्टर सब लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन एक एक्साइटमेंट लेवल जो होती है जब इतने एक्टर्स को आप एक साथ लेकर आ रहे हो एक बहुत मजे वाली चीज, वो एक्साइटमेंट मुझे लगता है अपने आप जनरेट होती है क्योंकि भाई सब तोड़ लोग अंदर यार, कास्ट पूरा तोड़ है, आई कांट गेट ओवर, मतलब ये बैक टू बैक इतने अच्छे ओएसटीज देख के ना माइंड से ब्लो हो रहा है, इट्स लाइक क्या मतलब कितना एम्पावरिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, लिटरली इतने अच्छे से बनाए हुए, इतने ज्यादा टचिंग, इतने ज्यादा इफेक्टिव, और नाम क्या है आसम अजहर एक्टर भी है इसमें, चार रोल्स निभा रहे, वाओ 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 कांट गेट ओवर यार, ये क्या लाइंस हैं, एंड जिसने भी कहा था 50 बार उन्होंने सुना, आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू नाउ, ये हम भी मतलब ऐसा रिपीटेडली लूप पे सुन सकते हैं, आप जिस दिन लो फील कर रहे हो जिस दिन ऐसा लग रहा है कि
सब कुछ वर्थलेस है, कुछ करना है बट हो नहीं रहा है, होते हैं ऐसे, सबके पॉइंट्स आते हैं। तो ये काफी हद तक गर्ल्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो ऑल द गर्ल्स विल रिलेट ज्यादा कि यू नो मिट्टी की गुड़िया क्या क्या लाइंस ले, इतनी डीप यार, इतनी डीप। अगर सर अगर उनको नोट डाउन करना चाहिए कसम से, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ड्स याद करना कितना इम्पोर्टेंट है। हम उसके बारे में बात करेंगे, कितना अच्छा लगेगा खुद को भी कि वाओ। फिर हमेशा पता क्या होता है, ओएसटी खत्म होने के बाद, रिएक्शन खत्म होने के बाद याद आता है, अरे वो लाइन ये हमें इतना अच्छा लगा था, ये जो भी हम मिस कर रहे हैं आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। वो टीजर्स को जैसे ये लोगों ने कंपाइलर के साथ में रखा, काफी सारे क्लिप्स टीजर्स में जो हमने देख रखे हैं। एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि हम पहले टीजर्स देख रहे हैं, तो हमें पूरा रेफरेंस समझ आ रहा है। पहले हम डायरेक्टली ओएसटी पे आते थे, ये अपलोड भी वी नो वैसे ही होता है, पहले टीजर फिर ओएसटी, लेकिन इनिशियली सब लोग हमें कहते थे ओएसटी ओएसटी मिलेगा, टीजर टीजर सब रखो सब मिलेगा। तो हमने अभी ये चालू किया एंड वी आर लविंग इट। और क्या शोज है, मैं तो बता मेरे को ये देखना है, मुझे ये देखना है, इसका डायरेक्शन देखना है मेरे को, बहुत कड़क रहेगा यार। मैं जेब की आवाज सुनना चाहूंगी, क्योंकि वो एक अलग और ज्यादा फील देगा कि यू नो एक फीमेल वॉइस से, वो फीमेल वॉइस से, और उनकी वॉइस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। एक सुना है अपन ने सुना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नाम भी सुना हुआ है इसलिए मुझे वो याद है। ओके, मेरे को याद नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी उसके अंदर लिरिक्स थोड़े से आगे पीछे कर दिए यार, कितना मजा आएगा एक न्यू लिरिक्स। बट आई नो मोस्टली नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ऊपर के लेवल के लिरिक्स है, बहुत प्यारे ऑन पॉइंट वाले लिरिक्स, कितने ऐसे लग रहा है यू नो इजी टू गो बट इफेक्टिव, बट वाओ ये सब कुछ है ये लिरिक्स में। इफेक्टिव होते जो इतना स्मूथ जाता है, लेकिन आपके दिमाग को और दिल को हिट करता है कि अरे यार क्या लाइन, इजी लैंग्वेज। एक इजी लैंग्वेज का इफेक्ट एक डिफरेंट होता है, एक डीप लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन एक इजी लैंग्वेज का जो टच होता है ना, शिट वी कांट गेट ओवर इट गाइस, वी लव्ड इट एब्सोल्युटली। आई थिंक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय बाय।